गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज आपको बता दूँ, आज मेरा सी टेट का एग्ज़ाम था। गाइज सी टेट देखिए, आज की डेट में 17 में आपको डेट दिखा दूँ। देखिए गाइज 17/1/2023 में आज मेरा एग्ज़ाम था, और गाइज मेरे दोनों ही पेपर बहुत ही अच्छे हुए और बहुत बढ़िया तरीके से पेपर हुए। गाइज उसी तरीके से मेरे जो कुछ क्वेश्चन याद थे तो मैं लिख के लाया हूँ, जो जो मैंने क्वेश्चन जो मेरे पेपर में आए और मेरे याद थे। तो गाइज मैं आपको बताऊँगा कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। गाइज आप उम्मीद भी नहीं करोगे, मैथमेटिक्स में सिर्फ चार जगह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर हमने वहाँ से कर दिया गाइज 12 क्वेश्चन मेरे जो सेकंड पेपर गए थे वहीं से पूछे गए। हाँ गाइज थोड़ा संस्कृत ने और साइंस ने जो था उसने थोड़ा सा परेशान किया, थोड़ी टफ थी, पर गाइज जो हमारी हिंदी सीडीपी और ईवीएस था गाइज बहुत ही ईजी था। तो गाइज देखिए मैं आपको बताऊंगा, देखो गाइज आज का ये मैं आज पेपर देख आया हूँ। अब गाइज देखो मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। गाइज मैथमेटिक्स से बिल्कुल भी टफ क्वेश्चन नहीं पूछे गए, बहुत ही ईजी क्वेश्चन थे। गाइज क्वेश्चन कितना ईजी था, मैथमेटिक्स में एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि अगर किसी भिन्न को उसी से गुणा कर दिया जाए और उसे उसी के व्युत्क्रम में से भाग कर दिया जाए तो वह 2/2 = 10/27 हो जाते हैं, तो भिन्न क्या हो, भिन्न ज्ञात कीजिए। गाइज ये सेम वही क्वेश्चन है जो मेरे पेपर में था, क्योंकि गाइज मेरे मैथमेटिक्स बहुत जल्दी याद रहता है। तो मैंने क्वेश्चन जो थे 5 से 6 क्वेश्चन है, सीडीपी के भी हैं, हिंदी के भी हैं, ठीक है। इसमें सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं, और इसके अलावा भी मैं ऐसे डालता रहता हूँ। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। क्योंकि इससे पहले मैंने आपको बताऊंगा, मैंने अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दूंगा, वो वीडियो देखना। मैंने एनसीएफ 2005 की वीडियो बनाई थी और उससे मुझे 2 क्वेश्चन खुद फंसे हैं। देखो गाइस एक क्वेश्चन तो ये हो गया। गाइस दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि 1 से 10 तक के बीच। गाइस ये देखो जो सेकंड शिफ्ट में था, ये जो सेकंड पेपर था ये मेरा, उसमें पूछा गया था। अब गाइस जो सेकंड क्वेश्चन था दूसरे क्वेश्चन में था कि 1 से 10 तक के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात करो। यानी गाइस जो अभाज्य संख्या थी 1 और 10 के बीच में जो हमारी सभी प्राइम नंबर होते हैं, यानी कि अभाज्य संख्या होते हैं, तो उनके बीच की जितनी भी संख्या थी सबका क्या पूछ रखा था, मुझे माध्य पूछ रखा था। देखो कितना ईजी क्वेश्चन था, और ये जो था ये पेपर फर्स्ट में था मेरा, जो पेपर फर्स्ट हुआ था उसका क्वेश्चन था। एक गाइस देखिए ये क्वेश्चन देखिए बच्चों बहुत टफ लगा, पर बहुत ईजी क्वेश्चन था कि अगर 20 लीटर दूध को किसी स्कूल के बच्चों को बांटा जाए, यानी किसी स्कूल है उसमें 20 लीटर दूध के बच्चों को बांटा जाए और प्रत्येक बच्चे को उसका 1/4 भाग दिया जाए तो यह दूध कितने बच्चों को मिलेगा। गाइस जो सेकंड पेपर में था मेरे, ठीक है। और गाइस बहुत ईजी क्वेश्चन था, देखिए गाइस अगर एक बच्चे को 1/4 भाग, यानी कि 1 किलो का 1/4 भाग की 14 पावर, यानी कि 1 किलो में से 4 बच्चों को मिलेगा और 4 की मल्टीप्लाई 200 में करो तो 80 आंसर आया था गाइस का निकल के। देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या था, फोर्थ में पूछा गया था कि 1 से 50 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का युग्म बताओ कितने होंगे। यानी कि अभाज्य संख्याओं के युग्म पूछ सकते थे इसमें, इसके 6 युग्म बने थे। गाइस 1 से 50 के बीच में क्या थे हमारे, जो अभाज्य 2 हो गई 3 हो गई 5 हो गए 7 हो गए, गाइस ऐसी संख्या पूछ सकती थी। और ये गाइस हमारे जो था सेकंड शिफ्ट में से पूछा गया था, जो हमारे सेकंड पेपर में आया था मेरे। एक क्वेश्चन कुछ इस तरीके का था कि यदि सोहन और उसके पिता की आयु का अनुपात इतना है और 4 साल के बाद उनका अनुपात इतना हो जाता है तो उनकी आयु का अनुपात ज्ञात करो। यानी गाइस क्या कहा था कि उनकी आयु नहीं दे रखी थी, सिर्फ उनके आयु का अनुपात दे रखा था। तो गाइस क्या मान लिया मैंने, एक्स वाई मान लिया, मैंने मान लिया था कि एक्स वाई उनकी आयु का अनुपात बराबर 5/7। गाइस कुछ ऐसा दे रखा था कि एक्स बटे इसके मैंने क्या माना, एक्स वाई मान लिया और 5/7। और गाइस क्या करा मैंने दूसरी बारी में जो निकालने के बाद यहाँ से एक्स का मान निकाल लिया था, हो गए, फिर x+4 यहाँ भी कर दिया और y+4 यहाँ भी कर दिया और बराबर रख दिया इसको 5/8 के। और गाइस फिर यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू निकाली, यहाँ से मैंने एक्स की वैल्यू निकाल दी थी, 5/7y आ गया था। और गाइस फिर क्या करा इसमें वैल्यू में रखा और आंसर आ गया एकदम सही। गाइस देखो एक क्वेश्चन कुछ इस तरीके का था, गाइस ये क्वेश्चन मेरे पूरे परफेक्ट याद नहीं है कि कैसा था, पर इस टाइप का ये क्वेश्चन था। उसने ये क्वेश्चन तो यही था पर मुझको ऑप्शन याद नहीं है, ऑप्शन कुछ ऐसे ही थे कि a+b के स्क्वायर को आप बच्चों को किस तरीके से कराएंगे, यानी कि हम बच्चों को किस तरीके से इसको समझा सकते हैं। a+b बराबर, ये तो फॉर्मूला होता ही है कि a² + b² + 2ab। फिर कहा था कि अगर a+b और a+b करके समझाएंगे बच्चों कुछ, ये भी था कि या उन्हें गुना करने के लिए कहेंगे या फिर एक चीज़ और दे रखी थी गाइज मेरे पक्के याद नहीं है, पर क्वेश्चन ये जरूर था कि अगर आपको बच्चों को ये दिया हुआ है तो आप बच्चों को किस तरीके से समझाएंगे, ठीक है। और फिर एक इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सके थे कुछ कि भाषा क्या है, हिंदी में पूछा था गाइज, जो हिंदी का था कि भाषा क्या है, हिंदी में पूछा गया था। इनके ऑप्शन याद नहीं है, सीडीपी के भी बहुत अजीब से थे, पर इजी था क्वेश्चन, इतना टफ नहीं था। 2020 से पूछा गया था गाइज, 2020 के बारे में पूछा गया था कि 2020 की शिक्षा के बारे में क्या बताया था। और गाइज कोलबर्ग से भी एक क्वेश्चन आया था कि अगर कोलबर्ग की शिक्षा नीति जो उसने दी थी ना, आप उसको पढ़कर जरूर जाएं, उसका जो भी था संरचना सिद्धांत था गाइज। और ये गद्यांश पद्यांश गाइज बहुत आए, बहुत क्वेश्चन मिले गाइज। मेरा जो गद्यांश था फर्स्ट का, उसमें से 8 क्वेश्चन, एक ही गद्यांश में से 8 क्वेश्चन थे हिंदी के गाइज, ठीक है। एक जो क्वेश्चन दे रखा था कि अगर 1/2 में से समकोण होंगे, यानी कि इसमें कितने समकोण होंगे गाइज, क्या करते मैंने इसका क्या, मैंने 2 × 2 = 4 = 1 = 5, 5/2 हो गए गाइज समकोण पूछा कि मल्टीप्लाई इससे गाइज 2 से, वही यहाँ 2 ने 3 था यहाँ, क्योंकि 3 से डिवाइड हो गए थे मेरे याद है, यहाँ 3 था और 3 × 2 = 7, ये हो गया था गाइज। और फिर मैंने 3 से इसको डिवाइड कर दिया था और मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरा आंसर आ गया था।
गाइस कुछ ऐसा ही क्वेश्चन था, और एक पूछा गया था गाइस चिंगप्पा के जो लोग थे मैं अपनी बकरी पालते हैं तो उसका नाम क्या था, कि जो चिंगप्पा के लोग थे मैं अपनी बकरी कहाँ पालते थे, ठीक है। और गाइस एक क्वेश्चन था कि नेपाल में, पता है गाइस कि कौन से ऐसे वो है जहाँ पर इसी बाढ़ आने पर मैं अपने जो गांव अपने घर हैं वो बांस में बनाते हैं। गाइस मैं याद था कुछ असम में था शायद, कि असम के लोग ही अपना घर जो है 10 फीट ये 12 फीट ऊपर बनाते थे बांसों पर। ठीक है, ये क्वेश्चन थे गाइस, इतने क्वेश्चन मेरे याद थे। अब गाइस देखिए आपको बताऊं, जो मैथमेटिक्स में सिर्फ 4 ही से पूछे गए, नंबर सिस्टम। गाइस अगर आपने नंबर सिस्टम कर लिया ना तो नंबर सिस्टम से आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। एक तो नंबर सिस्टम, एक मेंसुरेशंस, एक अल्जेब्रा और एक ज्योमेट्री। गाइस ये मैंने खुद लिखे थे, मैं सिर्फ इन 4 की चीज़ की प्रैक्टिस करके गया था, और गाइस मुझे इतने अच्छे क्वेश्चन मिले इसमें से। गाइस अगर मेरा बताऊँ, अगर 15 नंबर थ्योरेटिकल था और गाइस 15 नंबर पेडागोजी का था, तो गाइस इसमें से मेरे 14 नंबर कहीं नहीं गए। गाइस मैं 14 के 14 ठीक कर गया, और गाइस ऐसे ऐसे आंसर आए थे बिल्कुल इजी इजी थे, आराम से हो गए। ठीक है गाइस, गाइस कल को भी पेपर वॉस कभी एनालिसिस में अपने चैनल पर गिरूंगा। ये गाइस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को भी लाइक करें। ठीक है गाइस, थैंक यू।